हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने बाइक का आप टायर चेंज कराना चाहते हैं? आपके मन में कन्फ्यूजन है कि ट्यूब वाला टायर लगाना चाहिए या ट्यूबलेस टायर लगाना चाहिए। कौन सा टायर आपके बाइक के लिए बेस्ट होगा, ट्यूबलेस या ट्यूब वाला? तो सब डिटेल्स में बताने वाले हैं कि आपके बाइक के लिए कौन सा टायर बेस्ट है, ट्यूबलेस या ट्यूब वाला। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि टायर से रिलेटेड हम जो भी वीडियो बनाते हैं तो आप तक पहुँच जाएगा। इस चैनल में छोटे बड़े सभी गाड़ियों के टायर से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देते हैं कि ट्यूबलेस बेस्ट होगा या ट्यूब वाला बेस्ट होगा आपके बाइक के लिए। तो हम यही कहेंगे कि आप ट्यूबलेस ही लगवाएं। पहले से अगर आपका रिम ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस लिखा हुआ है आपका रिम में, तो ट्यूबलेस लगाएं। या फिर आपका रिम पहले से प्लेन है तो उसमें भी ट्यूबलेस बन जाता है। उसमें आपको ट्यूबलेस बन जाता है, एक नलकी आता है अलग से जिसमें कि हवा डाला जाता है। वो आपको नलकी परचेस करना है, उसके बाद ट्यूबलेस टायर परचेस करना है, उसके बाद फिटिंग करते वक्त उसमें आपको रिम को पूरा जो है साफ करके, जरा सा भी कचरा ना हो और रिम कहीं से भी बैंड ना हो, कहीं से मतलब बैंड ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, वैसा रिम अगर हो, प्लेन भी रिम हो, ट्यूबलेस अगर लिखा हुआ नहीं भी है तो ट्यूबलेस बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर उसमें आप केमिकल या जेल वगैरह डाल देते हैं तो और भी बढ़िया हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका पहले से ही ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, ट्यूबलेस टायर लगा हुआ था, आप अगर ट्यूब लगा के चला लिए तो उसमें अभी आपका ट्यूब लगा हुआ है, आगे चल के अगर आप अपना बाइक का टायर चेंज कराते हैं तो उसमें आप ट्यूबलेस ही टायर लगाइए, क्योंकि ट्यूबलेस में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्या बेनिफिट है वो सब हम बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। जैसे आप ट्यूब वाला टायर लगवाते हैं अपने बाइक में, मान लेते हैं 4 से 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आपके बाइक का टायर में फिर से कील घुस गया, न्यू टायर में। तो न्यू टायर में कील घुसने के बाद ट्यूब वाला टायर में ये होता है कि उसका तुरंत हवा गिर जाता है। तुरंत हवा गिर जाने के बाद आप अपने बाइक पे अगर चढ़ के चले जाते हैं, चला के मतलब चले जाते हैं 2-4 किलोमीटर, तो उसमें आपका ट्यूब खत्म होने का संभावना रहता है। लगभग ट्यूब खत्म ही हो जाता है, क्योंकि कील लगने के बाद वो राउंड जितना बार लेता है उतना बार ट्यूब को मतलब ट्यूब को फाड़ते हुए चले जाता है। तो लास्ट में आपको यही करना होता है कि ट्यूब आपको चेंज करना पड़ता है। तो ट्यूब चेंज करने में आपको हर जगह आपको सही ट्यूब नहीं मिलेगा, सही प्राइस नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट ट्यूब मिल रहा है हर जगह आपको आज के डेट पे। तो आपको ट्यूब वाला लगाने में फायदा नहीं होगा, जहाँ तक कि ट्यूबलेस लगाने में ही फायदा होगा। और दूसरी बात, ट्यूब वाला टायर में अगर कील घुस जाता है तो आप गाड़ी को मतलब बाइक को अपना उसको ढकेल के ले आना पड़ता है। आप चढ़ के जा नहीं सकते हैं, चढ़ के जाते हैं तो आपका ट्यूब खराब होगा, ट्यूब के साथ टायर भी खराब हो सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप ट्यूबलेस लगवाएं। ट्यूबलेस में आपको क्या बेनिफिट है वो भी बता देते हैं। जैसे ट्यूबलेस टायर में आपका अगर कील घुस जाता है, एक कील घुस जाता है या दो या तीन भी कील घुस जाता है, तो उसमें आपका प्रेशर जल्दी निकलता नहीं है। हवा का प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करके रखता है, इतना जल्दी आपका हवा एयर नहीं निकलता है टायर से, जिससे कि आपका टायर पूरा फ्लैट नहीं होता है, पूरा चिपकता नहीं है जमीन से। आपका टायर में अगर कील भी घुस जाता है, कील घुसने के बाद अगर आपको इमरजेंसी है कि अभी हमको जरूरी है कहीं जाना, अगर रुक जाते हैं आप पंचर बनाने में तो आपका टाइम लग सकता है, जो भी लगे 10-15 मिनट या 20 मिनट। तो आपका अगर कील घुसा हुआ है तो आप टायर में हवा डाल करके आप उस सफर को तय कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम मिले तो बाहर से आप 2 मिनट में पंचर बनवा सकते हैं। एक तो आपका टाइम का बचत है, 2 मिनट में पंचर बनवा सकते हैं, या फिर नहीं तो आपका जेल वगैरह अगर डला हुआ है टायर में तो आपका ऑटोमेटिक पंचर बंद हो जाएगा। अगर जेल डला हुआ नहीं है तो आपको बाहर से 2 मिनट के अंदर टायर पंचर बन जाएगा। और दूसरी बात, टायर पंचर तो बन जाता है ट्यूबलेस का, और आपको गाड़ी को ढकेलना भी नहीं पड़ता है, और आपका टायर भी खराब नहीं होता है, और आप बाइक को अगर चला भी लेते हैं 2-4 किलोमीटर तो उसमें आपको ट्यूब बदलना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें ट्यूब होता ही नहीं है तो बदलना ही क्या। जैसे आप ट्यूब वाला टायर लेते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाता है, कई कई बार ऐसा ऐसा होता है कि एक एक दिन में मेरे पास बाइक वाला जो आता है टायर चेंज करने के लिए, एक एक दिन में वो बोल रहा है कि 3 से 4 ट्यूब बदल चुके हैं। तो सही ट्यूब नहीं मिल पाता है हर जगह आपको, और कांटी घुसने के बाद आप
परेशान हो जाते हैं, बार बार ट्यूब चेंज करते हैं। तो बेहतर यही होगा अपने बाइक में, अगर आप टायर लगवाना चाहते हैं, न्यू टायर लगवाना चाहते हैं अपने बाइक में, तो आप ट्यूबलेस ही टायर लगवाइए। अगर नहीं तो आप ट्यूब वाला टायर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ट्यूबलेस ही होगा। तो हम इस वीडियो में वही बताना चाहते थे कि ट्यूबलेस लगाना चाहिए या ट्यूब वाला लगाना चाहिए। ट्यूबलेस और ट्यूब वाला में क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, सब आपको डिटेल्स में बता दिए। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम इसी तरह से टायर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।